फरवरी माह में आयोजित होने वाले सकरगंध महोत्सव की तैयारी बैठक जिलाधिकारी के विजयन पांडेन की अध्यक्षता में एनएक्सी भवन के सभागार में संपन्न हुआ। इस दौरान जिलाधिकारी ने उद्यान विभाग एवं अन्य संबंधित विभागों के अधिकारियों एवं होटल प्रबंधकों रेस्टोरेंट प्रबंधकों के साथ बैठक करते हुए कहा कि किसानों की आय में वृद्धि तथा सकरगंध से होने वाले फायदे के बारे में लोगों की जानकारी पहुँचाने के उद्देश्य से इस महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। उन्होंने होटल व्यवसायियों से कहा कि सकरगंध के व्यंजन को अपने मेनू कार्ड में शामिल करें तथा इसका व्यापक प्रचार प्रसार भी किया जाए, जिससे गोरखपुर का नाम आगे बढ़े। डीएम ने कहा कि सकरकंद के व्यंजनों को बनाने में होटल रेस्टोरेंट प्रबंधकों को जो भी सहायता की आवश्यकता होगी उसे उपलब्ध कराया जाएगा तथा इसकी मार्केटिंग भी व्यापक रूप से की जाएगी। इस अवसर पर मुख्य विकास अधिकारी इंद्रजीत सिंह, सकरकंद महोत्सव के आयोजक गौरव गर्ग सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए जिलाधिकारी के विजयन पांडेय ने कहा, जिलाधिकारी महोदय, मुख्य विकास अधिकारी महोदय, आज की इस बैठक में आए हुए हमारे मित्र अधिकारीगण, मुख्य उद्देश्य शकरकंद महोत्सव की तैयारी करना है। इस शकरकंद महोत्सव का संभावित आयोजन 19-21 तारीख को होना है और इस आयोजन की तैयारी करने के लिए ही हम सब यहाँ एकत्र हुए हैं। हमारे जो इवेंट मैनेजर साहब आए हुए हैं उनसे अनुरोध है कि इसके बारे में विस्तार से प्रकाश डालें और अपना जो ऑडियो सिस्टम है उसके माध्यम से कृपया विस्तार इसके बारे में समझाएं। गुड आफ्टरनून एवरीवन। प्रिंसिपल, आई लाइक टू फर्स्ट थैंक डीएम सर, सीनियर सर। एक आपको बैकग्राउंड बताऊँ कैसे करने की कोशिश कर रहे हैं। सो मैं झांसी जिले का निवासी हूँ और हमने झांसी में एक फिल्म चल रहा है, एक महीने का फेस्टिवल है, बुंदेलखंड स्ट्रॉबेरी का उत्पाद हुआ और उसको बढ़ावा देने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने उस फेस्टिवल को सिर्फ कन्वेंशनल प्रोड्यूस उगा रहे थे। अब वो सब देखना चाह रहे हैं कि हम कैसे स्ट्रॉबेरी उगा सकते हैं। वो एक जमीन जो सिर्फ कुछ 70-80 हज़ार रुपये पर एकड़ का रेवेन्यू देती थी, आज वो ज़मीन की अपॉर्चुनिटी 10 लाख रुपए पर एकड़ पे आने की अपॉर्चुनिटी बन गई है। तो इस प्रयास से कल करीब 200-300 किसान पिछले 15 दिनों में उस स्ट्रॉबेरी फार्म पे जाकर ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर बुंदेलखंड में स्ट्रॉबेरी उग सकती है तो उसके पीछे क्या कारण है। और कारण बहुत सिंपल है कि आज हमने जो एडवांस्ड एग्रीकल्चरल मेथोडोलॉजीज या टेक्नोलॉजीज हैं उनका यूज किया, जैसे कि ड्रिप इरिगेशन, स्प्रिंकलर्स, ऑर्गेनिक यू नो यूरिया एंड ऑल ऑफ दैट। सो हमने उन चीजों को करके दिखाया और वहां पे उस चीज से जितने किसान हैं उन लोगों का एक मोटिवेशन था। साथ में हमने क्योंकि वो चीज़ की तो हमारा ये भी था कि हम उन किसानों को सीधा एक डायरेक्ट मार्केट एक्सेस दें, जिसके लिए वहाँ के जितने रेस्टोरेंट्स और होटल्स थे उन लोगों के साथ पार्टिसिपेट करके हमने उसी स्ट्रॉबेरी के 150 से ज़्यादा व्यंजन की रेसिपीज रेस्टोरेंट्स के माध्यम से बनाई और उन 150 रेसिपीज को आज चखने के लिए पूरे शहर के लोग उन रेस्टोरेंट्स में जा रहे हैं। और उससे ये आंकलन है कि आज की डेट में जो स्ट्रॉबेरी फार्म है वो स्ट्रॉबेरी फार्म में स्ट्रॉबेरी नहीं बची और आज की डेट में झांसी में जो 10,000 किलो स्ट्रॉबेरी का उत्पाद इस पूरे सीजन में होना था, जो करीब 100 किलो रोज वो स्ट्रॉबेरी उत्पाद हो रही थी, जहाँ पे उस जिले के अंदर कुल 10 किलो पर डे का कंजम्पशन था, वो 100 किलो स्ट्रॉबेरी तो खत्म हो ही चुकी है पर करीब 100 किलो और बाकी महानगरों से आज की डेट में झांसी के अंदर इम्पोर्ट है। और हमने इस चीज़ को एक बढ़ा दिया, इसी चीज़ को इस पूरे फेस्टिवल को इनॉग्रेट माननीय श्री मुख्यमंत्री जी ने किया 17 जनवरी को और सपोर्ट की वजह से ही एक महोत्सव वहाँ पे ऑर्गेनाइज हो रहा है। इस चीज़ को देखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने एक पहल की और ये बोला कि अगर इस तरह से हम इस पॉपुलेशन को इंस्पायर कर सकते हैं तो क्यों ना हम इस चीज़ को हर जगह में लेके जाएं और कुछ करें। उसी पहल का पार्ट
आज हम गोरखपुर में डिस्कस कर रहे हैं एक शकरकंद फेस्टिवल के रूप में बनाने के लिए, और उसके अलावा अगर लोग चाहते हैं जोमैटो हमारा एक पार्टनर था, आप लोग जोमैटो और स्विगी से उसको ऑर्डर कर सकते हैं इस पूरे इवेंट में, ना एज एन इवेंट कंपनी, ना एज अ लीला प्रसाद। हम लोग देखे हैं हर डिस्ट्रिक्ट में कुछ ना कुछ चीज का एक स्पेशल जो खाने वाली चीज मिलना का तौर पर इसी टाइप का आदरणीय खेती नहीं तो इसी टाइप की कोई फ्रूट्स रहेगी। वैसे तो प्रयागराज का जो हम लोग जानते हैं यहाँ जो कुशीनगर के भी लोग बनाना फसल बनाने वाले हैं, मलिहा वाले आम तो जानते हैं, फिर वो आपका आंवला है वहाँ प्रयागराज पे प्रतापगढ़ में फेमस है, काफ़ी जगह हर जगह अलग अलग चीज़ है उसमें तो हम लोग का पहचान गया है क्योंकि यहाँ शकरकंद का तो अच्छा उसका है रेपुटेशन है और हमेशा उसको हर त्यौहार में हम लोग अपने खेती में इंक्लूड कर देते हैं गाँव में भी शहर में भी हर जगह और उसका न्यूट्रिशन वैल्यू भी अच्छा है और उसका प्रोडक्टिविटी के हिसाब से यहाँ पे कितने डिमांड है उतने उत्पाद यहाँ नहीं हो रहा, बाहर से मंगाना पड़ रहा है उसको। तब अगर ट्रक से बहुत सारे ट्रक में आता है 5 से 10 ट्रक आता है तब के समय में मान लीजिए त्यौहार हो जाता था, अब इसलिए तो हमें यकीन मिला है तो फिर इसका प्रॉमिसिंग मार्केट यहाँ ऑलरेडी अवेलेबल है, थोड़ा बहुत उसको शोकेस करने में बहुत सारे लोग को इसमें फायदा मिल सकता है, सीधे सीधे किसान को तो फायदा मिलेगा ताकि आलू तो 15 से 20 रुपये किलो चलता है, शकरकंद तो 40 से 50 रुपए के बीच में डिमांड के हिसाब से चलता है, वैसे ही तो उनका आमदनी दोगुना हो जाता है। आलू जैसे ही है ये काफ़ी स्पेशल क्राप नहीं है, वैसे स्ट्रॉबेरी में हो सकता थोड़ा क्लाइमेट कंट्रोल पेस्ट कंट्रोल सारे चीज़ कराना पड़ेगा, बट ये तो आराम से हो जाएगा। खासतौर पर फरवरी महीने में शुरू होता है, 4-5 महीने में बरसात के पहले वो फसल तैयार हो जाता है, वो हार्वेस्टिंग के लिए तैयार हो जाता है, फिर वो सप्लाई के लिए रेडी हो जाता है। ये बहुत ईजी है बट बहुत लोगों का ध्यान में नहीं आया इसलिए तो हम लोग इसका शुरू करने जाते हैं। और मैं खासतौर पर होटल्स रेस्टोरेंट से मैं लेना चाहता हूँ ताकि यहाँ से कोई डिश ऐसे कुछ बन जाए और उसके अलावा भी नॉट नेसेसरी डिश उसको बाकी आपको विचार जो भी है ब्रेनस्टॉर्मिंग आप लोग कैसे आप विचार रखने चाहते हैं तो उसी के हिसाब से हम लोग योजना बना के उसको शामिल करेंगे। तो आपका भी ओपिनियन हमें चाहिए जो बहुत सारे होटल्स में आए कैसे हाउ कैन वी गो अबाउट इट एंड और जब बेटर आइडिया सब होता है तो उसको जरूर शेयर कर लीजिए एंड वी विल प्रॉमिस यू आपका कितने सप्लाई साइड से लेके और जो आपका एडवर्टाइजमेंट साइड से लेके सभी चीज़ का वी विल गिव अ गुड प्लेटफॉर्म और उस पर एक बार फेस्टिवल हो जाएगा फिर पेरिनियल डिमांड आपको चलता रहेगा उस पर और लोगों की तरफ से गैर एग्रीकल्चर टेक्सटाइल MSME मिनिस्ट्री ऑफ हॉर्टिकल्चर मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन टूरिज्म और वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट इतने लोग इस पर सपोर्ट कर रहे हैं और हम आपसे भी चाहेंगे कि मार्केटिंग का जो पार्ट है उस पर जरूर फोकस करें और इसमें गौर भी आपकी मदद करेंगे और हमारी भी जो सपोर्ट चाहिए हम देंगे और तो अभी से हम मार्केटिंग पर फोकस करेंगे तो इसका जो प्रचार प्रसार अच्छा होगा और हम इसको एक सक्सेसफुल इवेंट की तरफ ले जाएंगे। तो काइंडली इसमें सब लोग पार्टिसिपेट करिए
और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से डी एम साहब की लीडरशिप में सब सपोर्ट मिले थे और आप लोग डायरेक्ट हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं इस प्रोग्राम को लेकर और हम गवर्नमेंट की टीम के साथ पूरा कॉन्टैक्ट कर रहे हैं और आप इसमें अच्छा करिए और एक सक्सेसफुल इवेंट गोरखपुर की इकनॉमी और हर चीज़ में जो मदद करेगी फ्यूचर को देखते हुए इसको हमें पहले इवेंट भी बहुत सक्सेसफुल इवेंट बना। सर ये बैठक देखिए शक्करकंदी महोत्सव हम गोरखपुर में मनाएंगे खुशी की बात है। वैसे शक्करकंदी यहाँ बहुत होता है, उसका फ़ायदा किसान का अलावा अनेक लोग का है, जो बच्चे का बहुत फ़ायदा मन करता है और तमाम वर्ग लोग का तो उसमें फ़ायदा है। उसी का एक सेमिनार आज ऑर्गेनाइज किए हैं, उम्मीद है तो फरवरी 19-20 के आसपास हम लोग ये महोत्सव मनाएंगे। उसके सारे होटल का हम लोग रिक्वेस्ट किए थे, होटल में डिस्कशन ग्रुप से उसको लाएँ और उसके अलावा भी उसका कैसे मिड डे मील में शामिल कर सकते हैं, कैसे जो उसको हार्ड कुक मील में शामिल कर सकते हैं और कैसे प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में उसे चिप्स भी बनता है, उसे तमाम चीज़ बनता है उस पर, वो कैसे उसका पाउडर फॉर्म में भी बन सकता है, बहुत सारे उसका स्कोप है। उसी के हम लोग विचार विमर्श किए, एक गोरखपुर में एक पहचान के रूप से ये डिश रहेगा और ODOP के साथ भी हम जोड़ेंगे इस पर, यहाँ टेराकोटा से सर्व करेंगे, टेराकोटा के साथ कैसे जोड़ सकते हैं उसी के भी विचार विमर्श हुआ है और जल्दी यानी फरवरी दूसरे सप्ताह में उसको एक महोत्सव के रूप से मनाएंगे। आपको भी स्वागत करता हूँ, आपको भी हम इन्वाइट करते हैं।